तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल सबस्ट्रक्टर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबस्ट्रक्टर को डिस्कस किया हुआ है। तो उन वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से वो टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे। और काफ़ी छोटे से छोटे कंसेप्ट में मैं आपको ये सारी कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला इसमें कह रहा है फुल सबस्ट्रक्टर क्या है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि फुल सबस्ट्रक्टर एक प्रकार का कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। उसमें कह रहा है कि फुल सबस्ट्रक्टर इज अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू परफॉर्म द सबस्ट्रक्शन बिटवीन टू बिट्स। यानी ये क्या करता है, दो बिट्स के बीच में क्या करता है, सबस्ट्रक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब बारी आता है कि कौन कौन से दो बिट्स आपके हो सकते हैं। टेकिंग इंटू अकाउंट डेट वन मे हैव बीन बोरोड बाई ए लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज। यानी इसमें एक और इनपुट यूज होगा जो कि आपका लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज में यूज होगा, जिसे हम लोग बोरो इन कहेंगे, इनपुट के तौर पर हम उसे लेंगे। तो हम उसे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आपका सेकेंड लाइन है, कह रहा है कि इट हैज़ द थ्री इनपुट, यानी इसमें तीन इनपुट यूज किए जाएंगे, ए बी एंड बोरो इन। तो बोरो इन को हम बी ओ आर एंड आपके बेस में जो क्या हम देंगे, इन देंगे। इस तरह से आप रिप्रेजेंटेट करेंगे। आप ए बी को एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी एक्स वाई जेड ज़्यादा लिया जाता है, तो हमने ए बी ही लिया है। ओके, यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज़ द टू आउटपुट, यानी तीन तो इनपुट आपके होंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या होंगे, दो आउटपुट जनरेट होंगे। पहला आपका होगा डी, डी फॉर डिफरेंस, यानी डिफरेंस के लिए, और बोरो आउट किसके लिए, बोरो के लिए। तो यहाँ तक आई होप कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। आइए हम उसके ब्लॉक डायग्राम को और साथ ही साथ ट्रुथ टेबल को देखते हैं कि किस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम को डिज़ाइन करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो फ्रेंड, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हमने क्या किया है, दो इनपुट आपका दिया हुआ है और एक और इनपुट हमने दिया हुआ है ये इस कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमने XOR गेट का यूज़ किया हुआ है और इसके थ्रू आपका एक और XOR गेट बन रहा है, जो कि डिफरेंस के लिए बन रहा है। और जो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव होगा, वो फ्रेंड आपका होगा D इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बोरो इन। क्योंकि हम तीन इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को आप हटाने के लिए क्या कीजिएगा, जो डी का फॉर्मूला ड्राइव होगा, यहाँ पे हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से आपको दिखाई ना दे, लेकिन वहाँ पे डी के फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख दे रहे हूँ मैं दोबारा से। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बोरो इन, यानी आपका हर एक टर्म में कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटू बोरो इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बोरो इन कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए इंटू बी इंटू बोरो इन। तो ये बेसिकली क्या होगा, डिफरेंस का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल को फुलफिल करेंगे, यानी ट्रूथ टेबल के डायग्राम को हम बनाएंगे उसको। और यहाँ पे आपका एक एंड गेट ऑपरेटर यूज़ किया गया है, यहाँ पे नंद यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद ये सारे कम्बिनेशन लॉजिक इससे आपके आके मैच हो जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो ब्लॉक डायग्राम निकल रहा है, यहाँ पे आके एक नॉर गेट से आपका जुड़ जा रहा है, जो कि आपका क्या बन रहा है, बोरो आउट बन रहा है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप पे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना बेहतरीन स्केचिंग आप कर पाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, सारी चीज़ें आपके निकल के आ जाएंगी। अब बारी आता है कि बोरो इन का जो फॉर्मूला होता है, बोरो आउट का, वो क्या आता है। तो बोरो आउट का जो फॉर्मूला होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बोरो इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी इंटू बोरो इन। तो ये बेसिकली क्या होगा, बोरो आउट का फॉर्मूला होगा। तो आइए डायरेक्टली हम लोग ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं और इन दोनों फॉर्मूले के मदद से ही हम ट्रूथ टेबल को फुलफिल करेंगे। और पिछले कंसेप्ट में मैंने बताया था कि वन अगर रहेगा तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो होगा तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे उसमें, आइए देखते हैं हम उसको। अब ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम तीन इनपुट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, टू का पावर थ्री, यानी एट बिट्स का हम यूज़ करेंगे। तो एट बिट्स का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के जो आपका ए का जो कॉलन है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 times 0 4 times 1 करेंगे। बी के कॉलन में क्या करेंगे, 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1, इस तरह से करके फिल करेंगे। और जो आपका बोरो इन है, उसमें हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 करके फिल कर देंगे। तो ये इतना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, तो चीज़ें आपकी ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, इसमें कोई फुलफिल करने वाली बात ही नहीं है यहाँ तक। और जो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट में एक आपका डिफरेंस का होगा, दूसरा आपका क्या होगा, बोरो आउट का होगा। तो इसको डिफरेंस को हमने डी से डिनोट कर दिया और बोरो आउट को बी आउट से हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब बारी आता है कि इस चीज़ को हमने फुलफिल कैसे किया।
तो जैसे कि डिफरेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बोरो इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू बोरो इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बोरो इन प्लस ए इंटू बी इंटू बोरो इन। आइए एक बार अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो उसको हम किस तरह से फिल करेंगे उसको देख लेते हैं। एक कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया ना, वैसे कि मैंने पहले बता रखा है लेकिन एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं उन चीज़ों को, तो आप सारे कंसेप्ट को इजीली फिल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट रो के लिए मैं बात करूं तो इसमें ए कितना है आपका, जीरो है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वन हो जाएगा। बी कितना है आपका, बी यहां पे देखिए बी कितना है, जीरो है, लेकिन फॉर्मूला में कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, वन ले लेंगे। बोरो इन कितना है आपका, जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जीरो रहने देंगे, प्लस हो गया। यानी इतने कंसेप्ट का आपका काम खत्म हो चुका ऊपर वाला। अब हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ये जीरो है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बी बी कितना है आपका, बी जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब बोरो इन कह रहा है तो बोरो इन कितना है आपका, जीरो है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ फॉर्मूला में है तो क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, प्लस। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद ए ए कितना है आपका, जीरो है, फर्स्ट रो की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो जीरो हो जाएगा इनटू यहाँ पे जीरो है लेकिन फॉर्मूला में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, बोरो इन है तो बोरो इन कितना है आपका, जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो पुट हो जाएगा, प्लस। उसके बाद ए इंटू बी इंटू बोरो इन यानी ए का भी वैल्यू जीरो है, बी का भी वैल्यू जीरो है और बोरो इन का भी जीरो है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जीरो आएगा। तो ये फर्स्ट रो के लिए आपका निकल गया, तो ये हमने जीरो पुट कर लिया। उसी तरह से आप सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सेवन और एट के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आपको फाइंड आउट करना है डी के लिए, और वही प्रोसीजर आपको बोरो आउटपुट के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो अगर रो वन की अगर हम बात करें बोरो आउट की, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का वैल्यू कितना है, जीरो है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो क्या होगा, वन हो जाएगा। इंटू बोरो इन, बोरो इन कितना है आपका, जीरो है, तो जीरो हो गया, प्लस है तो प्लस। ए कॉम्प्लीमेंट जीरो है तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा फर्स्ट रो के लिए। बी कितना है, बी आपका जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस। बी कितना है आपका, जीरो है, बोरो इन कितना है आपका, जीरो है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए आपको जीरो मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो के लिए बोरो आउट कितना आया, जीरो आया। इसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन और एट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आइए, पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।